नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मेरे पीछे खड़ी हुई है न्यू 2024 होंडा एसपी 125 और आज मैं इसका एक फुल डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक चीज़ वीडियो के पहले मैं आपको बता दूँ, 2024 में अभी तक होंडा ने कोई भी अपडेट एसपी 125 को पुश नहीं किया है, बट अपडेटेड ऑन रोड प्राइस कितना है, 2024 में आपको कितना कलर ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कितनी माइलेज आपको इस बाइक से मिल सकती है, उसके साथ साथ 2024 में इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है, ए टू जेड डिटेल्स इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा कोलकाता में कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। बाकी चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द न्यू 2024 होंडा एसपी 125। इसमें अगर 2024 में मिलने वाली कलर ऑप्शन की बात करें तो टोटल 5 कलर ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम आप देख पा रहे हो, ये है ब्लैक कलर। एक बार इस ब्लैक को मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका एकदम प्लेन ग्लॉस ब्लैक है। कोई भी मेटालिक इफेक्ट इस ब्लैक के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो डिकैल्स का कलर आप देख पा रहे हो, ये जो सिल्वर और जो रेड कलर है, ये आपको सिर्फ ये ब्लैक कलर के ऊपर ही देखने को मिलेगा। बाकी जो डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कलर के ऊपर आपको डिफरेंट कलर में स्टिकरिंग भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलती है और टोटल 4 कलर स्कीम, इम्पीरियल रेड मेटालिक, मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, पर्ल साइड एंड ब्लू और आपका मैट मार्बल ब्लू मेटालिक। टोटल 5 कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। वेरिएंट ऑप्शन की अगर बात करें तो टोटल 2 वेरिएंट ऑप्शन कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। पहले आपको जो स्पेशल एडिशन मिलता था वो आपको 2024 में और नहीं देखने को मिलेगा। 2024 के एंड में हो सकता है आपको नया कोई स्पेशल एडिशन का कलर स्कीम कंपनी लॉन्च कर सकती है, जैसे कंपनी करती है फेस्टिव सीजन में। बट वो जो 2023 वाला जो स्पेशल एडिशन था वो आपको 2024 में नहीं देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो टोटल 2 वेरिएंट ऑप्शन यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एक है आपका ड्रम वेरिएंट और एक है आपका डिस वेरिएंट। ये जो मॉडल आप देख पा रहे हो डिस वेरिएंट है। प्राइस की अगर बात करें तो ड्रम वेरिएंट का प्राइस है, ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, 1,02,179 रुपीज अप्रोक्सीमेटली इसका ऑन रोड प्राइस है ड्रम वेरिएंट का। 2024 मॉडल का प्राइस मैं बता रहा हूँ। डिस वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो 90,123 रुपीज इसका एक शोरूम प्राइस है और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 1,06,585 रुपीज अप्रोक्सीमेटली इसका ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता में देखने को मिल सकती है। मैं जब लास्ट 2023 में इसका वीडियो बनाया था तब इसका प्राइस था अराउंड 1,05,200 रुपीज के आसपास प्राइस था। अभी इसका प्राइस हो चुका है 1,06,585 रुपीज के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है कोलकाता में। अभी बात करते हैं इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक की की से। तो की यहाँ पे आपको होंडा के बैजिंग के साथ एकदम नॉर्मल की मिलती है। जैसे आप इसका इग्निशन को ऑन कर लेते हो देन फर्स्ट इसका मेन हेडलाइट जलता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यह है इसका हाई बीम। लाइट थ्रो की अगर बात करें तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट थ्रो नहीं है। और ब्लिंकर्स की अगर बात करें तो बल्ब ब्लिंकर्स मिलता है जो आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, एकदम फिक्स्ड है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी फिलहाल के लिए जो है मैं इसको बंद कर रहा हूँ। सामने में आपको एक प्रॉपर टिंटेड मीटर सील मिलती है जहाँ पे आपको होंडा का बैजिंग दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। फ्रंट में आपको मिलती है 31mm की टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, सिंगल पीस में मडगार्ड दी गई एकदम प्लेन ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। फ्रंट डिस्क की अगर बात करें तो 240 सेक्शन का आपको यहाँ पे डिस्क मिलता है विद निसिन कैलिपर के साथ। और इसमें आपको मिलती है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, रियर ब्रेक जैसे आप अप्लाई करते हो इसका फ्रंट ब्रेक जो है ऑटोमेटिक इंगेज होता है। उसके साथ साथ टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 80x100 सेक्शन का टायर है, 18 इंचेस का एलॉय व्हील के साथ आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है। C8 का टायर इस पर्टिकुलर बाइक में दिया गया, C8 जूम प्लस का टायर है और रिम का डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और टायर पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे टायर पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, डेफिनेटली आपको तगड़ा ग्रिप इस टायर से मिलने वाला है। डायमंड टाइप फ्रेम के ऊपर ये बाइक बना है। टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। माइलेज की अगर बात करें तो तगड़ा माइलेज मिलता है, मैं कस्टमर रिव्यू बता रहा हूँ, 60 से 65 KMPL का माइलेज इस बाइक से आपको आँख बंद करके मिलेगा। E20 फ्यूल जो है इस बाइक में आप डाल सकते हो। वैसे प्रॉपर मेटल का टैंक आपको यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट ये जो टैंक एक्सटेंशन है इसके वजह से ये बाइक देखने में और भी ज़्यादा बल्की लगता है। साइड में आपको प्रीमियम होंडा का 3D बैजिंग दिख रहा होगा, इनफैक्ट साइड का डिकल्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। साइड में आपको मिलती है एसपी 125 की बैजिंग, थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इंजन की अगर बात करें तो ये आपका 123.94 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें आपको मिलती है 10.8 PS की मैक्स पावर और 10.9 Nm की मैक्स टॉर्क। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है और किक स्टार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्रैश गार्ड जो है आपको अलग से एक्सेसरीज के दौरान लेना पड़ती है। इनफैक्ट
इनफैक्ट यहाँ पे आपको प्रॉपर कम्यूटर बाइक की तरफ रबर कोटेड फुटरेस्ट भी दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 160 mm इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 790 mm इस बाइक की सीट हाइट है। आपका हाइट अगर 5'4" 5'5" भी है तब भी इस बाइक को आप कंफर्टेबली चला पाओगे। और वेट की अगर बात करें तो 116 kg ओनली इस बाइक का वेट है, ओनली 116 kg, 116 kg इस बाइक का वेट है। सीट नो डाउट स्पेसियस है और इसका लंबाई भी आप देख पा रहे होंगे। बस थोड़ा सा आप अगर आफ्टर मार्केट इसमें पैडिंग करवा लेते हो आपका नियरेस्ट बाइक मार्केट से, देन और भी तगड़ा कंफर्ट इस सीट से आपको मिलने वाला है। वैसे राइडर का इस पोर्शन का जो फोम है वो मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है, पिलियन के लिए जो है उतना ज़्यादा फोम यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पतला है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बट स्पेसियस है नो डाउट। आप थोड़ा सा आफ्टर मार्केट इसमें पैडिंग अगर करवा लेते हो तो तगड़ा कम्फर्ट मिलेगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो आपको पता होगा 2023 के एंड में आपको इसका एग्जॉस्ट जो है कंपनी ने चेंज कर दिया था। प्रॉपर आपको यहाँ पे क्रोम में ऊपर में सील मिलती है। एग्जॉस्ट नोट कैसा है तो चलिए इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। तो दोस्तों इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। होंडा बेसिकली उनका बाइक या फिर स्कूटर में ESP टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, व्हिच इज इनहांस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी। बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म के साथ ये बाइक आती है। रियर में आपको मिलती है कंफर्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो आपका मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है, आप अपना हिसाब से जो एडजस्ट कर सकते हो। एंड रियर में आपको मिलती है 130 mm की ड्रम ब्रेक जो आपका कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आती है। एंड जिस मॉडल में मतलब जिस वेरिएंट में आपको सामने में ड्रम ब्रेक मिलती है उसमें आपको सामने में भी 130 mm की ड्रम ब्रेक ही मिलती है। रियर जो टायर है आपको 100x80 सेक्शन का टायर मिलता है, तो नो डाउट टायर जो है पहले से चौड़ा हो चुका था 2023 के एंड के अपडेट में ही। 100x80 18 inches के एलोहिल के साथ आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है। टायर पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, C8 जूम प्लस का टायर दिया गया है। एंड पीछे से इसका लुक भी पहले से और भी ज़्यादा इनहेंस हो चुकी है ये वाइट टायर की वजह से। रियर में आपको मिलती है बल्ब टेल लाइट, इसमें अभी भी आपको कोई भी LED का अपडेट नहीं मिला है। यहाँ पे आपको मिलती है बल्ब ब्लिंकर्स और नंबर प्लेट का जो लाइट है वो भी आपको मिलती है बल्ब। और पीछे से इसका लुक आपको कुछ इस काइंड ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिलती है और सिंगल ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे ग्रैबरेल दिया गया है। एक्चुअली जो बाइक का कलर है उसी कलर में आपको ये ग्रैबरेल देखने को मिलती है। फुल्ली कवर्ड चेन है तो चेन का उतना ज़्यादा मेंटेनेंस है नहीं। और प्रॉपर आपको यहाँ पे सारी गार्ड एंड पिलियन के लिए लेडीज फुटरेस्ट भी दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिडिल स्टैंड दिख रहा होगा, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और टो शिफ्टर एंड हिल शिफ्टर दोनों शिफ्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड अभी आते हैं मीटर कंसोल की तरफ, तो इसमें आपको मिलती है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल जिसमें आपको यहाँ पे मिलती है फ्यूल गेज, इधर स्पीडोमीटर, इधर आपका ओडोमीटर, यहाँ पे टाइम शो करता है, इधर गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप ए डिटेल्स, ट्रिप बी डिटेल्स, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड रेंज मतलब डिस्टेंस टू MTB भी आपको इसमें दिखाता है। इनफैक्ट सर्विस रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक इको एडवाइजर भी यहाँ पे दिया गया है, लाइक आप जैसे इकोनॉमिकली चलाओगे आपको यहाँ पे एक इको लाइट ग्रीन कलर का एक लाइट आपको जलता हुआ देखने को मिलेगा। टेल लाइट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइड स्टैंड का गिरा रहता है, देन आपको यहाँ पे अलग से साइड स्टैंड इंडिकेटर शो करता है। यहाँ पे आपको मिलती है हाई बीम का सिग्नल, इधर है आपका इंजन माल फंक्शन, लेफ्ट साइड इंडिकेटर का सिग्नल, इधर राइट साइड इंडिकेटर का सिग्नल दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको मिलती है सिलेक्ट स्विच, यहाँ पे आपको मिलती है सेट स्विच, इससे जो है आप क्लॉक वगैरह अपना सेट कर सकते हो। एंड होंडा का बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रॉपर आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच दिया गया है जिसमें आपको स्टार्ट स्टॉप इसी में मिल जाएगा। और ये आपका साइलेंट सेल्फ मोटर है, जैसे आप सेल्फ दोगे कोई भी सेल्फ का साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलती है इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न भी एक बार सुन लीजिए।
डिसेंड हॉर्न है एंड दिस इज द डिपर बटन। बाहर की तरफ अगर आप इसको निकाल दोगे देन इसका जाके हाई बीम ऑन हो जाता है। क्लच की अगर बात करें तो थोड़ा सा हार्ड मेरे को लग रहा है, बहुत हार्ड नहीं है बट थोड़ा सा हार्ड क्लच इसमें आपको देखने को मिलती है। कोई भी मेटल का बार यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती है। वैसे भी बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन जो है इस बाइक में आपको नहीं देखने को मिलेगा और मिरर से भी जो है आपको प्रॉपर विजिबिलिटी इस बाइक में मिलती है। थोड़ा सा प्रीमियम टच जो है आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, लाइक ये पैनल या फिर उसके साथ साथ जो भी पैनल वगैरह है उसमें अगर फिट एंड फिनिश की बात करें तो बहुत ही तगड़ा फिट एंड फिनिश यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो डेफिनेटली 2024 में आप अगर एक 125 सीसी बाइक को लेने का सोच रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन है 2024 में आपका ये होंडा एसपी 125। सो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।